Acharya from Silver Bell School. Today we are going to learn Standard 7 English Grammar Chapter 4 Interrogative Pronouns and Adjectives. You have already learned in Book 6 the elementary use of who, what and which. Let's recapitulate. Okay, हम फिर से रिवाइज करेंगे कि हु व्हाट और विच के बारे में. हु इज यूज्ड फॉर पर्सन इन जनरल. जनरली हम हु कब यूज करते हैं तो पर्सन के साथ यूज करते हैं. व्हाट इज यूज्ड फॉर थिंग्स इन जनरल. प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव. जो व्हाट है वो हम थिंग्स के रिलेटेड यूज करते हैं लेकिन वो दो टाइप से यूज होता है, एज अ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, दोनों तरीके से. और हु किस में यूज होगा, प्रोनाउन में सिर्फ यूज होगा. देन थर्ड वन, विच इज यूज्ड फॉर पर्संस और थिंग्स इन द सिलेक्टिव और रिस्ट्रिक्टेड सेंस. प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, जो विच है वो दोनों में यूज होगा, पर्सन में भी यूज होगा और थिंग के साथ भी यूज होगा. हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा. जैसे यहाँ पर देखो, हु ब्रोक माई पेंसिल, किसने मेरी पेंसिल तोड़ी, है ना. तो यहाँ पर प्रोनाउन है, हु के साथ क्या आएगा, ऑलवेज प्रोनाउन आएगा. जैसे कि इसका आंसर हम दे तो क्या आएगा, हु ब्रोक माई पेंसिल, तो ही और शी ब्रोक योर पेंसिल, ऐसे. ओके, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ, तो यहाँ पर भी कैसे हुआ है, प्रोनाउन हम रखेंगे. देन व्हाट बुक्स आर दी, एडजेक्टिव, ये कौन सी बुक है, तो व्हाट बुक्स आर दी, तो यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज हुआ है. यहाँ पर देखिए, विच ऑफ यू कैन आंसर माई क्वेश्चन, इनमें से कौन मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा, बराबर है. तो यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है विच. यहाँ पर देखो कि विच हाउस इज इट, नंबर 32, नंबर 34, तो एडजेक्टिव, कौन सा हाउस, हाउस तो है लेकिन कौन सा नंबर का हाउस, तो नंबर 32 और नंबर 34. हम अगर आंसर करेंगे तो हमें एडजेक्टिव में आंसर मिले तो वो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, और अगर हम आंसर दें और प्रोनाउन मिले तो उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है. व्हाट एंड विच एज एडजेक्टिव आर यूज्ड विद नाउंस. एडजेक्टिव जो है वो नाउंस के साथ यूज होंगे. कभी भी आप व्हाट देखो तो उसके पीछे अगर नाउन हो तो हमें समझना है कि वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, व्हाट और विच दोनों के लिए. जैसे कि बुक है, देखो यहाँ पर दिया है व्हाट बुक, तो ये जो बुक है वो क्या है, एक नाउन है. तो नाउन के आगे अगर व्हाट है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. व्हाट एंड विच एज एडजेक्टिव आर यूज्ड विद नाउन. देयर आर ओकेशंस व्हेन द जनरल एंड रिस्ट्रिक्टेड इंट्रोगेटिव सीम्स इक्वली गुड, एक जैसे दिखाई देंगे. कोई बार कैसा होगा कि हमें हम दोनों भी यूज कर सकते, कई ब्लैंक्स ऐसी होगी जिसमें दोनों राइट होंगे. इन सच केसेस द चॉइस डिपेंड्स ऑन द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू. कई बार कैसे होगा कि हमें दोनों लगेगा कि ये एज अ नाउन यूज हुआ है कि एडजेक्टिव, तो कई बार क्या होगा कि हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, तो इट्स डिपेंड ऑन स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू. स्पीकर बोलता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको देखना है. तो देखो कि व्हाट बुक आर यू बाय, कौन सी बुक, यहाँ पर देखो ऑफ ऑल पॉसिबल बुक्स आएगी, क्या आएगी कि जितनी भी बुक्स है ना, मैथ्स की है कि एनवायरमेंट की है कि इंग्लिश की है, सब पॉसिबिलिटी है. और जो विच है, यहाँ पर नीचे देखो विच बुक आर यू बाय, तो यहाँ स्पेसिफिक हुआ है कि कौन सी, है ना, क्या कौन सी, यहाँ पर एक चॉइस आती है, जैसे कि विच ड्रेस, विच बुक, तो यहाँ पर चॉइस आती है. तो ऑफ सम पर्टिकुलर बुक्स, अगर विच यूज करते हैं तो वहाँ पर डेफिनेट आ जाता है कि पर्टिकुलर बुक के बारे में बात हो रही है. ओके, यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 8 है. इंस्ट्रक्शन क्या है, एड प्रॉपर क्वेश्चन वर्ड्स टू द फॉलोइंग. ये देखो सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे, जो हम रूटीन में भी कई बार यूज करते हैं. ओके, नाउ सी ऑन द बोर्ड, सी हियर, फर्स्ट क्या है कि ब्लैंक वेंट विद यू टू लंदन. यहाँ पर देखो डायरेक्ट वर्ब फॉर्म है और ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि आपके साथ लंदन कौन जाया था, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, हु, पर्सन है. हु वेंट विद
विथ यू टू लंदन, आपके साथ लंदन कौन जाएगा? यहाँ पर्सन की बात हो रही है तो हमने लगाया हु। यहाँ पर है ब्लैंक ऑफ दीज बुक्स, देखो इन इन बुक्स में से इज योर फेवरेट, तो चॉइस आई है ना, यहाँ पर दैट और विच दोनों आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो पर्टिकुलर चॉइस दिखाई है कि इस जो यहाँ इतनी सारी बुक्स पड़ी उसमें से कौन सी आपकी फेवरेट है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर विच होगा, विच ऑफ दीज बुक्स इज योर फेवरेट, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विच। नेक्स्ट है ब्लैंक गर्ल वॉन द ब्यूटी कॉम्पिटिशन, तो बहुत सारी गर्ल्स होंगी उसमें से कौन सी गर्ल ने ब्यूटी कॉम्पिटिशन जीता है, तो यहाँ पर भी एक चॉइस है पर्टिकुलर, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, विच। विच गर्ल वॉन द ब्यूटी कॉम्पिटिशन, कई टेंस तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन फॉर्म वाली से ब्लैंक से। ब्लैंक केम इन जस्ट नाउ, अभी कौन आया, तो हु केम इन जस्ट नाउ। फिफ्थ, ब्लैंक रिवर फ्लोज थ्रू लंदन, तो कौन सी रिवर लंदन थ्रू होके आती है फ्लोज, तो यहाँ पर भी पर्टिकुलर रिवर आई तो हमें क्या लगाना है, वी। विच रिवर फ्लोज थ्रू लंदन, ब्लैंक विल कुक द डिनर टूडे, आज किसने डिनर बनाया है, ये डिनर कौन बनाएगा, ऑब्वियसली पर्सन की बात हो रही है तो पर्सन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हु, तो हु विल कुक द डिनर टूडे। एक्सरसाइज 8 में क्वेश्चन 1 हमने देखा, क्वेश्चन 2 में क्या है हम समझेंगे, राइट क्वेश्चंस स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड हु, व्हाट और व्हिच, टू व्हिच द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर आंसर्स। क्या है यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है कि शी इज वियरिंग अ न्यू हैट, और अंडरलाइन किसके नीचे दिए, और न्यू हेड के नीचे अंडरलाइन दिए, ये पूरा सेंटेंस है, हमें उसको क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन कैसे बनाना है कि उसका आंसर और न्यू हेड आए, तो हम कैसे बनाएंगे उसका क्वेश्चन, व्हाट इज शी वियरिंग, हम क्या करेंगे, व्हाट, ये थिंग है ना, तो हम लगाएंगे व्हाट, व्हाट इज शी वियरिंग। अभी ये जो क्वेश्चन है पूछेंगे तो उसका आंसर हमें क्या आ जाए मिलेगा, शी इज वियरिंग अ न्यू हैट, व्हाट इज शी वियरिंग, शी इज वियरिंग अ न्यू हैट, हमें ऐसे क्वेश्चन बनाना है जिससे अंडरलाइन वाला जो पार्ट है वो उसका क्या बन जाए, आंसर बन जाए। सेकंड क्या है, द गर्ल, द गर्ल्स हैव नॉट been to the zoo, okay, अभी अंडरलाइन कहाँ भरी हुई है, तो the girls सब्जेक्ट जहां होता है वहां पर ये ऑब्जेक्ट था, ओके okay? हमें पता है कि इंग्लिश में फॉर्मेशन क्या आती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था हमने वॉट लगाया, यहाँ पे द गर्ल्स हैव नॉट बीन टू द जू, गर्ल्स नहीं है जू में, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन नहीं है, तो उसे हम क्वेश्चन करेंगे, अंडरस्टैंड, तो क्या होगा हु, अगर हम हु लगा दे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, हु हैव नॉट बीन, नॉट बीन टू द जू क्वेश्चन मार्क, ओके। थर्ड भी देखो, थर्ड में भी क्या है, मनु एंड मीशा, मनु एंड मीशा, इसके नीचे क्या है, अंडरलाइन है, ओके, आर सिटिंग अंडर द ट्री,
क्वेश्चन हमने सिक्स में भी करे हुए हैं, ओके कि मनु एंड निशा आर सिटिंग अंडर द ट्री, ये अंडरलाइन कहाँ करी है, मनु एंड निशा से नीचे, तो हमें समझ में आ सकता है कि मनु एंड निशा टूअर है, कौन बैठा है अंडर द ट्री, कौन है, तो मनु एंड निशा, तो उसे क्वेश्चन बनाएंगे तो बन जाएगा, बहुत ही इजी है ये सब्जेक्ट की प्लेस पे मनु एंड निशा उसके नीचे अंडरलाइन है तो डायरेक्ट उसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। Who are sitting under the tree? Okay, यहाँ पर मैंने थ्री सेंटेंस आपको समझाए, बहुत ही इजी है, आगे एक दो ले लेती हूँ। चलो फोर्थ वाला समझेंगे। फोर्थ वाला क्या है, टॉम है ईटन सम बैड फिश, अंडरलाइन सम बैड फिश के नीचे अंडरलाइन है, तो उसने क्या खाया, ये ऑब्जेक्ट बनता है, क्या बनता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हम व्हाट से बना सकते हैं, उसने क्या खाया, सिंपली हम हिंदी में क्वेश्चन पूछे तो टॉम है ईटन सम बैड फिश, टॉम ने गंदी फिश खाई, उसको क्वेश्चन बनाओ तो टॉम ने क्या खाया, तो क्या खाया का क्या वर्ड होगा, व्हाट, तो सिंपल सा हम बना देंगे व्हाट हैज टॉम ईटन, What has Tom eaten? Question mark. Okay. Fifth one. My name is Mr. ये तो बहुत ही easy है। Mrs. Too Fat. Okay. तो हमें ये आंसर कब मिलता है, माय नेम हम कब यूज करते हैं, जब सेकंड पर्सन हमें क्वेश्चन पूछ रहा होता है ना, मैं बोलूंगी माय नेम इज परशा, तो मैं कब बोलूंगी, तो सेकंड पर्सन मुझे जब मेरा नाम पूछ रहा है तो व्हाट इज योर नेम, ये तो बहुत ही सिंपल है, उल्टा आप रिवर्स करके पूछोगे और आपको आंसर ये मिले तो आपका आपने जो क्वेश्चन बनाया है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। सिक्स, दैट टूथ इज हर्टिंग मी, ओके यहाँ पर दैट चॉइस बताइए, दैट पर्टिकुलर टूथ बताया है, तो दैट टूथ मतलब पर्टिकुलर कोई दांत है जो उसको हर्ट कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर के लिए बीच था, आगे ब्लैंक में भी हमने देखा, तो बीच टूथ इज हर्टिंग यू, मी है तो उसका यू हो जाएगा, क्योंकि हम आंसर देते हैं तो समझना हमें पड़ेगा कि सेकंड पर्सन हमें क्वेश्चन कर रहा है कि तो व्हिच टूथ इज हर्टिंग यू, हर्टिंग यू, आप पोज करके इसको लिख भी सकते हो,